फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडे की भुर्जी रेसिपी। इसको बनाने के लिए हम कुछ अंडे लेंगे और बर्तन में कुछ अंडों को फोड़ के डालेंगे। यह एक सिंपल रेसिपी है और अब हम इसमें ये रेसिपी बहुत कम समय में ही बनकर तैयार हो जाती है और इसको कोई भी बना सकता है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम हल्का नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। ऐसे इसको पेस्ट को तैयार कर लेंगे और फिर हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल का हम यूज़ करेंगे और इसके पेस्ट को अच्छे से मिलाएंगे। इसे नमक और मिर्च अच्छे से पूरे पेस्ट में मिल जाए। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसमें इस पेस्ट को डाल देंगे और इसको हम चमचे से मिलाएंगे। मिलाते हुए धीरे धीरे ऐसे मिलाएंगे और हमारा अंडे को एक तरह से फ्राई कर देंगे। ऐसे फ्राई करने के बाद बिल्कुल अंडा अलग अलग हो जाएगा। अब हम पेस्ट को निकाल लेंगे, फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें बस जीरा डालेंगे, फिर हींग डालेंगे, फिर तेज़पात के पत्ते और हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये ब्राउन हो जाएगी उस स्थिति तक उसको भूनेंगे और थोड़ा सा नमक डालने के बाद और अच्छे से जल्दी प्याज गल जाता है। अब हम अलग बर्तन में थोड़ा सा मसाला बनाएंगे। सबसे पहले धनिया डालेंगे, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी और फिर थोड़ा सा नमक और फिर लास्ट में थोड़ा सा गर्म मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद उसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद उसे जब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसमें से ऑयल नहीं निकलेंगे। हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें अपना मसाला पेस्ट कर देंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक हम इसमें से ऑयल ना रिलीज हो जाए। धीरे धीरे इसको मिलाएंगे ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। तो हमारा मसाला धीरे धीरे ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें हमने फ्राइड किया हुआ एग मिला दिया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तो हमारा रेसिपी बस बनने के लिए तैयार है और ये अब इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट गर्म करेंगे। और ये 5 मिनट बाद हमने हटाया और ये रेसिपी हमारी लगभग बन चुकी है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी और ये सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप एक बार ट्राई करिए और फिर बताइए। थैंक यू। बाय बाय।